हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली से। वहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, एससीबी के जो ज्वाइंट कमिश्नर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर अनक्वालिफाइड डॉक्टर लाइक बीएमएस वर्किंग कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि जो बीएमएस डॉक्टर्स है वो अनक्वालिफाइड है जितने रिक्वायरमेंट है उस हॉस्पिटल के लिए, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड फायर एक्सटेंशन। जो हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम एस्टेब्लिश एक्ट है दिल्ली का, उसमें जो क्रिटेरिया होती है कि आपको फायर रेनी होना चाहिए, पोल्यूशन रेनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है ऐसा कहना है इनका। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के तर्क में इन्होंने आयुष के डॉक्टरों को ना कहकर डायरेक्ट इन्होंने अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स लाइक बीएमएस लिख दिया है। आगे मैं प्रूफ में बताऊंगा और अलार्मिंग फैक्ट वगैरह इन्होंने क्लियर किया है। एक्चुअली हुआ क्या है, दिल्ली के विवेक विहार कॉलोनी में एक घटना घटी थी कुछ वीक पहले, आप सबको पता होगा, वहां पर 6 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसको लेकर के एलजी ने जो 7 बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ 7 न्यूबॉर्न की डेथ हो गई थी, और एलजी ने जो दिल्ली के एलजी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए एससीबी को एक टीम बना करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। तो उसमें पाया गया कि जो कुछ फैक्ट मिले वो खतरे से की घंटी दिखा रहा, अलार्मिंग फैक्ट दिखा रहा था। इसमें जो कॉमन चीजें है जिसमें हमारा जो विरोध है वो मैं बता देता हूँ। ऑफिशियल का ये कहना है कि सेवरल नर्सिंग होम जो है इलीगली एडेड मोर बेड देन नंबर ऑफ सेंसर, जितना बेड उसको परमिशन मिली है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा उससे ज्यादा बेड पे चलाते हैं, और परमिशन जहाँ पे 10 बेड है वहां पर 50 बेड ऑपरेट कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ दीज हॉस्पिटल में क्या है ये लाइन पे हमारा जो फैक्ट इन्होंने क्या बोला है समझिएगा। ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ दीज हॉस्पिटल द डॉक्टर वेयर आइदर अनक्वालिफाइड लाइक BAMS, मतलब कि उसमें जो डॉक्टर्स है वो अनक्वालिफाइड है, किसके तरह BAMS की तरह। अब देखिए सोचिए कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर को BAMS के इक्वालिटी में ला दिया है, ये स्टेटमेंट के विरोध है हमारा, ठीक है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन डिग्री और लेस क्वालिफाइड देन कंपलसरी रिक्वायरमेंट, लेकिन आगे के लाइन में ये कह रहा है कि लेस क्वालिफाइड देन रिक्वायरमेंट। तो हम आपको बता दें जितने भी नर्सिंग होम चलती है BAMS कंप्लीट, BAMS इज इक्वल टू MBBS, आप सबको पता होगा जितने भी बच्चे हैं BAMS इक्वल टू MBBS है, ठीक है। यूजी कोर्स है, ड्यूरेशंस वगैरह सब सेम रहती है, मेरी मेहनत करके आयुर्वेद मॉडर्न सब पढ़ करके यहाँ पर आते हैं, और उनके लिए ऐसा स्टेटमेंट रखना ACB के ज्वाइंट कमिश्नर है उनको शोभा नहीं देता। और इसको लेकर के सबने बहुत सारे लोगों ने मेल किया है NCSM को कि इस पे एक्शन ले, ठीक है, और उनसे ये बात के लिए अवगत कराए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि रेसिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल हॉस्पिटल चल रहे हैं जो कि गलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि BAMS अनक्वालिफाइड लाइक डॉक्टर्स लाइक BAMS, ये गलत है और इसका हम सब लोग कड़ा विरोध करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।